नमस्कार दर्शकों, इंडिया फर्स्ट न्यूज के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी, दिन आपका कैसा रहेगा। इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखते हैं आज का सुविचार। मित्रों, कहा जाता है कि परमात्मा के पास सभी चीज़ों का समाधान होता है, और कहीं हम किसी भी परेशानी में फंसे हों, यदि परमात्मा के सामने, अपने भगवान के सामने, या हम जिसको भी पसंद करते हों मन से, उसके सामने मन ही मन अपनी समस्या को कहते हैं, तो उसका निराकरण बहुत जल्दी हो जाता है। आप भी यदि किसी परेशानी में फंसें तो निश्चित रूप से एक देवस्थान हर व्यक्ति के लगभग लगभग घर में होता है, किसी भी धर्म संप्रदाय का क्यों ना हो, वहाँ अपने मन की बात कह डालें, समस्या का निराकरण अवश्य होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रातःकाल का पंचांग। 7 जनवरी 2019 सोमवार का आज दिन है, उत्तराषाढ़ आज नक्षत्र है, एकम आज तिथि है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आपका दिन। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज व्यवसायिक सफलता के अच्छे योग हैं, और व्यवसाय या नौकरी के लिए आपको यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा में आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होंगे, और जो भी काम आप करना चाह रहे हैं एक जगह बैठकर आज अधिक कार्य नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं घूमना फिरना होगा, आनंद की अनुभूति होगी, कार्य संपन्न होंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज भाग्य जागृत हो रहा है। छोटी छोटी सी बातों को लेकर कई बार गुस्सा आता है, जब भाग्य में चंद्रमा हो तब स्थिति ऐसी अधिक निर्मित होती है, यही आज आपके साथ हो रहा है। लेकिन जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं उसमें सफलताएं भी मिलेंगी, और मन माफिक जो काम आप करना चाह रहे हैं उसके रास्ते भी आज आपको नजर आ जाएंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे, अपने भगवान के दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें, फिर घर से बाहर निकलें, सफलता अच्छी मिलेगी। मकर राशि वाले व्यक्तियों को आज ना चाहते हुए भी कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जो भविष्य के लिए लाभ का संकेत हैं, परंतु हो सकता है वर्तमान समय में कुछ परेशानी का कारण बने। लाभ भी अच्छे मिलेंगे, काम भी आपके अच्छे होंगे, निडर रहकर कार्य करना ठीक होगा। आज आपका दिन अच्छा रहे, लाल रंग का पुष्प अपने भगवान को अवश्य चढ़ाएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज अच्छा दिन है, विशेष रूप से कुछ यात्राएं आपके परिवार के सामाजिक कार्यों को लेकर, मांगलिक कार्यों को लेकर हो सकती हैं, और उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। परिजन भी आपसे प्रसन्न होंगे, काम भी आपका संपन्न होगा। आज आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होना शुरू बहुत जल्दी होंगे। आज आपका दिन और भी अच्छा है, भगवान शिव जी का ध्यान करें। सिंह राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है, और मुझे लग रहा है आपके दो दिन बहुत अच्छे हैं कि आपके पेंडिंग कार्य संपन्न हो सकेंगे, और अभी कोई कार्य पेंडिंग रहेगा तो एक महीने तक पूरा नहीं होगा, इसलिए आप भी प्रयास करें कि आपके सारे कार्य अधिक से अधिक दो दिन में संपन्न हो जाएं। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए येलो रंग की शर्ट पहनें। कन्या राशि व्यक्तियों को आज बेहतर परिणामों के लिए दो दिन का इंतजार करना होगा, धीमे धीमे कार्य करते रहें, कार्य कोई भी रोके नहीं, सफलताएं अवश्य मिलेंगी। लेकिन बीच में दो दिन अड़ंगे लगाने वाले लोग आपको बहुत मिल सकते हैं, उनकी बात यदि आप मानते हैं तो आपके बने हुए कार्य अवरुद्ध हो सकते हैं। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए अपने मन की सुने, किसी और की नहीं। तुला राशि व्यक्तियों का अच्छा समय है, कुछ ठोस निर्णय करने वाले हैं उसमें सफलताएं मिलेंगी। कार्य के धरातल पर उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन चिंतन आपका अच्छा होगा, सार्थक होगा, और आपके माध्यम से परिजनों को, मित्रों को भी लाभ होगा। आज आपका दिन अच्छा चले उसके लिए थोड़ा सा योग ध्यान का सहारा लें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के अभी दो दिन बहुत अच्छे हैं, उसमें आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी, और जो भी काम आप करना चाहते हैं, जो भी मन में आपके चल रहा है, संबंधित व्यक्ति से मन की बात कह डालें, आपकी सुनवाई अवश्य होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए हनुमान जी के मंदिर की एक परिक्रमा करें। धनुराशि वाले व्यक्तियों का आज तनाव मुक्त रहना चाहिए, विशेषकर आप जो भी काम करने वाले हैं उन कामों में सफलताएं तो प्राप्त होंगी, लेकिन धन का कुछ अभाव उस कार्य को कहीं ना कहीं कमजोर कर सकता है।
लेकिन मित्रों की मदद लेते हैं आपका वह कार्य संपन्न होगा। मित्र की मदद घर जाकर लेनी होगी, तभी सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे। अपने भगवान के मंदिर में एक दीपक अवश्य लगाएं। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज का दिन शांति का दिन है। छोटी सी यात्रा का दिन है, यात्रा सुखमय होगी, लेकिन किसी व्यक्ति को आज पैसे उधार नहीं दें और जो आप सोच रहे हैं काम उसी के अनुसार करना शुरू कर दें, सफलताएं जल्दी प्राप्त हो जाएंगी। आज आप काले रंग के कपड़े पहनने से परहेज करें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आज खर्चीला दिन है। मित्रों पर खर्च करना पड़ सकता है, यात्राओं पर खर्च करना पड़ सकता है, किसी वस्तु की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन इसका लाभ अच्छा मिलेगा। और कार्यालय के क्षेत्र में जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पर कुछ लोगों की मदद से आपकी सहायता होगी, वो अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए भोजन का दान करें। मीन राशि वाले व्यक्तियों के अभी दो दिन और अच्छे हैं, आप सफल होंगे, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। विशेषकर जो काम आपने सोचे हुए हैं उन पर आज से कार्य प्रारंभ होगा, लाभ अच्छा मिलेगा। वर्तमान समय का और भी अधिक लाभ लेने के लिए थोड़ा सा प्राणायाम आवश्यक है। मित्रों यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का रामबाण। मित्रों आज सोमवार का दिन है और सोमवार का दिन भगवान शिव जी शंकर जी के लिए मुख्य रूप से माना गया है। जब भी कहीं ऐसी परेशानी हो कि हम हर कार्य करते हों और उसमें अवरोध आता हो, कोई ऐसे काम हो जिसको हम करने जाते हों, मांगलिक कार्य हो और कहीं ना कहीं अपशगुन घर में उपस्थित हो जाता हो, तो ऐसे समय में सोमवार के दिन से, विशेष रूप से आज के सोमवार से 40 दिन लगातार भगवान शिव जी के मंदिर में दूध और जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अभिषेक किया जाए तो इन समस्याओं का निराकरण हो जाता है। लेकिन यह कार्य पूरा 40 दिन एक स्थान पर करना सर्वोत्तम माना जाता है। मित्रों आज इतना ही, कल पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। लोगों के लिए लड़ाई, फिर लोग ही सबसे पीछे, जनता के लिए वायदे, फिर फायदे में जनता ही पीछे, आवाम के लिए सियासत, फिर हुकूक में आवाम ही पीछे। पब्लिक फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज का ऐसा मंच जहां सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे पहले, आपकी आवाज फर्स्ट। देखिए पब्लिक फर्स्ट, वॉइस ऑफ पब्लिक, ओनली ऑन इंडिया फर्स्ट न्यूज।